गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर क्षितिज धूड़िया फाजिलका से रेडियोलॉजिस्ट। आज हम आपके समक्ष COVID-19 की समस्या से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, उसका सलूशन देखेंगे। मैं आज पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डिस्ट्रिक्ट COVID-19 कंट्रोल कमेटी की तरफ से आपको आज के सेशन में वेलकम करता हूं। और आज जो भी हम कोविड की तरफ से कोई जो भी मुश्किलें हम फेस कर रहे हैं, हम उसको एड्रेस करेंगे और कोशिश करेंगे कि रेगुलरली इसी ही तरह कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई भी आपको डाउट है, कहीं मुश्किल आ रही है, किसी भी तरीके की सहायता की ज़रूरत है, हम आपको प्रोवाइड कराएं। आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। तो यही मोटिव लेके हमारे पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने सारों के को निर्देश दिया कि कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए इस कोविड को ख़त्म करने के लिए, जिसके अंतर्गत श्री सुनील जाखड़ जी प्रधान पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ का गठन किया। और श्री रंजम कमरा जी, उन्होंने फाजिलका के प्रधान, माननीय प्रधान फॉर कांग्रेस, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिसके अंतर्गत हम सबको एक छोटा छोटे टास्क दिए हैं जो हम अपने टास्क पूरे करेंगे, ताकि सारे फाजिलका के या सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं या जो कोविड के कारण स्ट्रेस में हैं, सारा माहौल आजकल इतना डिस्टर्बिंग है, हम TV चैनल चलाते हैं तो सिर्फ यही चीज़ें, कितनी कोरोना से कितने डेथ्स हो गई, कितने केसेस हो गए, तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हम इस मुश्किल समय से बाहर निकल सकते हैं। और इसीलिए श्री रंजम कमरा जी ने आज हमें मौका दिया आपसे लाइव होने का, आपके रूबरू होने का। मैं सब उनका थैंक्स करता हूँ। सबसे पहले हमें कोविड को ख़त्म करने के लिए, कोरोना को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए। हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करना। अब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस सबको पता है, सारों को याद है, पर मानने में हम कहीं ना कहीं ढील कर जाते हैं, जिस कारण आज हम आज की सिचुएशन में आए हुए हैं। सबसे सिंपल चीज़ है 2 गज की दूरी, 6 फीट की दूरी, किसी से दूरी बना के रखना बहुत ही ईजी काम है। चलते समय दूरी रखें, बैठने समय दूरी रखें, एक दूसरे को टच बिल्कुल नहीं करना, हैंड सैनिटाइज करने हैं, मास्क पहनने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। और गैदरिंग्स हो सके तो कम से कम और बिल्कुल मिनिमल लोगों, ये सारी चीज़ें फिर भी वापस आ सकती हैं, समय फिर वापस आ सकता है, ऐसी चीज़ें हम बाद में भी कर सकते हैं, मगर अगर किसी गैदरिंग के कारण किसी लाइफ को इफ़ेक्ट हो जाता है, किसी की सेहत में हानि हो जाती है, वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। सेकेंड चीज़ है मास्किंग। अब आजकल लोग मास्क लगाते हैं, वो नाक के नीचे रखते हैं। मास्क का मतलब है आपने अपने नाक और मुंह को प्रॉपरली कवर करना है, जो भी हवा अंदर जा रही है वो आपके नाक के थ्रू जाए, जो भी आप मुंह के अंदर हवा जा रही है आपके माउथ के थ्रू जाए। आपने अपने माउथ को नहीं टच करना, फेस को टच नहीं करना, आइज़ को टच नहीं करना, ये सारी चीज़ें। मास्क का पर्पज़ ही सिर्फ ये है कि वायरस को आपके मुंह के या आपके बॉडी के अंदर जाने से रोकना। अगर हमने मास्क या गले में टांग लिया मास्क, तो उसका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ वो हम अपने आप को भुलेखे में रख रहे हैं कि हमने मास्क पहन लिया। मास्क प्रॉपरली होना चाहिए नाक के ऊपर और मुंह को प्रॉपर कवर करता हुआ। अब जो आज की सिचुएशन है, इंडिया इज़ द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री। इंडिया में कल 4 लाख से ज़्यादा केसेस आए, रोज़ के 3500 के आसपास डेथ्स हो रही हैं हमारे कंट्री में। और हम ये सारी सिचुएशन को देखते हुए मास्किंग तो फॉलो कर रहे हैं सारे, बट मास्किंग के अलावा आजकल डबल मास्किंग एडवाइज्ड है। डबल मास्किंग में क्या करना है, एक सर्जिकल मास्क जैसे कि ये 3-ply कॉटन सर्जिकल मास्क फेस पे लगाना है, उसके ऊपर एक कपड़े का मास्क लगा लेना, जिससे इसकी लाइफ भी बढ़ेगी और ज़्यादा चांसेस कम होंगे कि आपके को इन्फेक्शन हो या कोई कोरोना से कोई मुश्किल आए।
तो हम अगर मास्क कर लेंगे, हम इस सारी चेन को, एक दूसरे से आगे बढ़ने वाली चेन को रोक सकते हैं, इसको प्रिवेंट करने में बहुत बड़ा रोल ले सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट की सराहनीय है, लायक कहने लायक बात है कि उन्होंने जो भी पेशेंट्स माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स कोरोना से पॉजिटिव आ रहे हैं उनके लिए फतेह किट्स प्रोवाइड की है। फतेह किट्स में सब कुछ है, जो भी हमें होम में मेडिसिन चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए, जो जिस तरह गाइडलाइंस की एक बुकलेट है, सारी डिटेल्ड डिस्कशन उस पर यहाँ अवेलेबल है। तो हमें जैसे ही हमें इन्फेक्शन हो जाती है, पॉजिटिव आ जाता है, फतेह किट्स मिलेंगी, और फतेह किट्स के अंदर जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, डरने घबराने की बात नहीं। इस मुश्किल की सिचुएशन में पंजाब सरकार, पंजाब कांग्रेस और हालांकि आपके नेबर्स भी आपके साथ हैं, किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फ़ोन करने की ज़रूरत है, आपको हर चीज़ पंजाब सरकार, गवर्नमेंट, डॉक्टर्स, हर एक जना प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। अब सारे कुछ लोग पूछते हैं कि एक क्वेश्चन था कि हमें सिम्टम्स क्या हैं कोरोना के, सबको पता है सिम्टम्स क्या हैं कोरोना के, फीवर यानी बुखार, गला ख़राब, नाक बहना, गले में खराश, शरीर टूटना, सांस लेने में दिक्कत होनी, जोड़ों का दर्द, ये सारे सिम्टम्स कोरोना के हैं। इसके अलावा बच्चों में जो खासकर सिम्टम्स देखे जाते हैं, डायरिया या जैसे कि लूज स्टूल्स, पानी जैसे टॉयलेट आना, स्टूल्स आना, और रैश बन जाना, शरीर पे धब्बे बन जाना, लाल निशान हो जाना, जो कि सारे पेरेंट्स कोई भी इग्नोर कर जाते हैं। बच्चों के सिम्टम्स कोई भी पेरेंट्स मानने को नहीं तैयार होता कि इसको कोरोना हो सकता है। हालांकि बच्चों में ऐसे अलग सिम्टम्स आएंगे, अडल्ट्स में अलग सिम्टम्स आएंगे। जैसे ही ये सिम्टम्स आते हैं, हमने सबसे पहले क्या करना है, सब कुछ छोड़ के ब्लड टेस्ट कराने हैं। ब्लड टेस्ट के अलावा हमने टाइफॉइड, डेंगू और कोरोना के टेस्ट, कोरोना में दो टेस्ट होते हैं, RT-PCR और रैपिड एंटीजन, हमने ये दोनों टेस्ट साथ के साथ लेने हैं। और सब सोचते हैं कि अगर हमारा टाइफॉइड पॉजिटिव आ गया, टाइफॉइड आ गया हमें, तो हमें कोरोना नहीं हो सकता, या हमें डेंगू आ गया तो हमें कोरोना नहीं हो सकता। ये एक एरिया और इनफैक्ट इंडिया के पढ़े लिखे लोगों की ये मिसकंसेप्शन है कि अगर टाइफॉइड पॉजिटिव आ गया या डेंगू पॉजिटिव आ गया तो कोरोना नहीं है। हमारे एरिया में 80-90% लोगों को टाइफॉइड पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन उनमें हो चुकी है, खाने पीने की हमारी परहेज़ कम रहती है। टाइफॉइड पॉजिटिव है तो भी हमने कोरोना टेस्ट कराना है, डेंगू पॉजिटिव आ गया तो भी हमने टेस्ट कराना है। हम ये सब कुछ मान के कि ये दोनों इन्फेक्शन हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। अब कोरोना में रैपिड एंटीजन और RT-PCR, रैपिड एंटीजन का रिज़ल्ट 2 घंटे में आ जाता है, RT-PCR का रिज़ल्ट 4 घंटे में आता है, RT-PCR का रिज़ल्ट 48 आवर्स में आ जाता है। अब हमने ये देखना है कि अगर एंटीजन, किसी लोग क्या करते हैं, एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ गया तो वो बिल्कुल भी सारा कुछ छोड़ के, ठीक है जी हमें कोरोना नहीं है, वो भूल जाते हैं, अगले अपना आराम से नॉर्मल घूमते हैं, आराम से अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हमें RT-PCR की वेट करनी है, रिज़ल्ट की वेट करनी है, उसके अंदर पॉजिटिव आने के बहुत चांसेस हैं। एंटीजन अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब हमें कोरोना है, अगर RT-PCR पॉजिटिव आ गया तो भी इसका मतलब हमें कोरोना है, मगर एंटीजन, रैपिड एंटीजन नेगेटिव आता है तो भी इसका मतलब है कि जब तक RT-PCR नेगेटिव नहीं आता हम ये नहीं मान सकते कि हमें कोरोना नहीं है, हमें RT-PCR की वेट करनी ही करनी है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि रैपिड एंटीजन नेगेटिव आता है और RT-PCR पॉजिटिव आता है, और वो जो 2 दिन का गैप होता है, उतने 2 दिन के गैप में ही पेशेंट कहीं से कहीं इन्फेक्शन को कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट कर बैठता है। हमें एक सिंपल सी चीज़ पर बहुत ध्यान देना है कि हमें सबसे पहले अपने घर वालों को बचाना है। जैसे ही आपको हल्का सा सिम्टम है या कोई प्रॉब्लम है, हमने खुद को आइसोलेट करना है अपने सारे घर वालों से, एक कमरा, अलग वॉशरूम, कोशिश करें और खाना आपको कोई दे जाए, खाना आपसे ले जाए, बस सबसे दूरी से बात करें, फ़ोन पे बात करें, वीडियो कॉल पे बात करें, साथ ना बैठें, एक ये हमने सारा कुछ रूटीन फॉलो करना है। अब होम आइसोलेशन किन की करनी है,
जिनके अंदर माइल्ड सिम्टम्स हैं। कि एक लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि माइल्ड सिम्टम्स का क्या मतलब। माइल्ड सिम्टम मीन्स सिर्फ हल्का बुखार, जोड़ों में दर्द, आँखों से पानी बहना, ये सारे माइल्ड सिम्टम्स में आते हैं। जब तक आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो वो माइल्ड सिम्टम्स ही हैं। फतेह किट्स में भी पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल हैं, या आप भी पल्स ऑक्सीमीटर लेके रख सकते हैं। वो यंत्र है जो आप अपनी उंगली पे लगाएंगे तो आपकी ऑक्सीजन, ब्लड की ऑक्सीजन कितनी है वो आपको पता चल जाएगा। अब जब तक आपकी ऑक्सीजन 94 से लेके 92% तक चल रही है, बिल्कुल ठीक है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही अपनी होम आइसोलेशन मेंटेन करें, अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें। अगर ये सब ऑक्सीजन लेवल्स में फॉल होता है, 94 से कम होती है, तो हमें हमारे नियरेस्ट सिविल हॉस्पिटल फाजिलका कांटेक्ट करना है, होम आइसोलेशन टीम को कांटेक्ट करें, वो आगे हॉस्पिटल में कांटेक्ट करके आपको बताएंगे कि आपको शिफ्टिंग की ज़रूरत है। हमारे नज़दीक जलालाबाद में बहुत अच्छी गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है, लेवल 2 फैसिलिटी है, ऑक्सीजन अवेलेबल है। जो भी पेशेंट्स हमारे एरिया के वहाँ पे सिक होते हैं तो वहाँ पे जाते हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट वहाँ पे रहता है। अगर उन्हें कहीं मुश्किल लगती है तो आगे लेवल 3 फैसिलिटी जो कि गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में रखी है, वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। इसलिए हमें किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हमारे एरिया में बेड्स भी अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि हर एक को बेड मिले, ऑक्सीजन मिले। हमारे एरिया में अभी तक ऑक्सीजन की शॉर्टेज वाला कोई इशू नहीं है किसी तरीके का। दिल्ली में है, उससे देख के हमने घबराना नहीं है। हाँ, किसी ने पूछा था कि मेरे बहुत दोस्तों के फ़ोन भी आते हैं इस बात के लिए, और लोगों का एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ऑक्सीजन सिलेंडर हम लेके घर पे रख रहे हैं, हमें ज़रूरत होगी तो आप हमें गाइड कर देंगे कैसे यूज़ करना है। मेरी सबसे यही एडवाइस है कि ऑक्सीजन सिलेंडर अभी लेके मत रखें, जिनको ज़रूरत है उन्हें लेने दें। हम अपने लिए तो ऑक्सीजन सिलेंडर रख रहे हैं, मगर जिन्हें ज़रूरत है आज के दिन हम उनको उनसे वंचित कर रहे हैं। हमें ज़रूरत होगी नहीं होगी कुछ नहीं पता, ना हो तो भी हम एक जान जो इजीली जिनको ऑक्सीजन मिल सकता है हमने उसको वंचित कर दिया। ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे रख के अपने आप ऑक्सीजन देने में लोग एक दूसरे से सलाह लेके ऐसा कर रहे हैं, मगर जो कि बहुत लोगों को नहीं आइडिया कि इट कैन बी हार्मफुल फॉर पेशेंट्स। जो आप घर पे ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन किस मात्रा में देनी है आपको नहीं पता। ऑक्सीजन होने से एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ रही है कि हाँ हमारे पास ऑक्सीजन है, हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी ऑक्सीजन कितनी लेवल्स कहाँ तक जा रही है, अंदर से आपको और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपको हॉस्पिटल की सख्त ज़रूरत हो, दवाइयों की सख्त ज़रूरत हो। अब उन सब चीज़ों को डिले करके सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके घर पे बैठे रहे और सारा सेहत को हम अपने नुकसान पहुँचा लें, ऐसी स्टेज में ले जाएं जहां हम रिकवरी की तरफ ना जा पाएं, ये अच्छा नहीं होगा। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मे बी हार्मफुल फॉर लंग्स इन सम पेशेंट्स। कई मरीजों में जिनको COPD की बीमारी है, उनमें अगर ऑक्सीजन ज़्यादा देने से अंदर बुल्ले हैं वो फट गए तो हवा भर जाएगी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। इनएडवेरेंट ऐसे ऑक्सीजन बिना मॉनिटरिंग के, बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी के गाइडेंस के बिल्कुल नहीं लेनी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके बिल्कुल भी नहीं रखने, खासकर हमारे एरिया में सारे लोग आपके सपोर्ट के लिए हैं। आप ऑक्सीजन लेके जाएंगे लोगों को मुश्किल आएगी, वो नहीं अभी चाहिए। जब आपको चाहिए होगी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी किसी भी तरीके। अब एक सवाल आया था मेरे पास कि हमें होम यूज़ के लिए मेडिसिंस कौन सी चाहिए। होम यूज़ के लिए मेडिसन्स किट में अवेलेबल हैं, फतेह किट्स में जिंक, विटामिन सी, आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और बाकी सपोर्टिव मेडिसन्स। हमें इन सब को लेके अपने पास इकट्ठा रख के स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इजीली अवेलेबल मेडिसन्स हैं और ऐसी भी नहीं है ये मेडिसन्स की इससे लाइफ सेविंग मेडिसन्स हम जिन्हें कहते हैं कि जान बचाने वाली मेडिसन्स नहीं है, सिर्फ इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली मेडिसिंस हैं। अगर हमने इन्हीं को स्टॉक करके अलग कर दिया तो जिन्हें ज़रूरत है उन्हें नहीं मिलेगी, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही कॉमन और इजीली मिल जाएंगी, जब आपको ज़रूरत होगी सारे प्रोवाइड भी करा सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन दो एक एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे बॉडी में सारा रिस्पॉन्स है तो उसको मॉनिटर करती हैं, ठीक करती हैं। अब
बहुत लोगों का फ़ोन आता है हमने स्टीरॉयड्स लेना है, कब स्टार्ट करने हैं। एक मेडिसिन आती है फेबीफ्लू, एंटीवायरल ड्रग है, वो कब स्टार्ट करनी है। हड़कंप में मचा हुआ है कि रेमडेसिविर नहीं मिल रही जी, टॉक्लिजुमैब नहीं मिल रही। हमें इन चीज़ों को घर पे देना ही नहीं है किसी को, अनटिल अनलेस या किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही फेबीफ्लू लेनी है। फेबीफ्लू का आपको साइड इफ़ेक्ट्स ही नहीं कि पता होंगे नहीं होंगे। हमने बिना डॉक्टर की मॉनिटरिंग के कोई भी ऐसी मेडिसिन ना तो स्टॉक करनी है ना हमने लेनी है। अगर आपका किसी डॉक्टर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, वो आपको आपकी सेहत को मॉनिटर करता आ रहा है, वो आपको एडवाइस करता है कि ले लो, फिर ठीक है। आपको कोई मुश्किल आती है साथ के साथ आप उनसे डिस्कस करो और उसका हल निकालो। ये सारी चीज़ों का खास ध्यान रखना है। हमें ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि जितने भी कोरोना पेशेंट्स हैं उसमें सिर्फ ही 20% लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, मतलब कि 80% लोग घर पे रह के ठीक हो सकते हैं। 20% लोगों में से सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जिनको गंभीर बीमारी हो रही है। तो इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, सचेत रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हमें क्या करना है क्या वो सीखना है, अफवाहों से बचना है। नेक्स्ट, हमें बच्चों के लिए खास है, आजकल बहुत फैमिलीज़ में हो चुका है, फैमिली से बच्चों में हो जाता है। बच्चों में बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, इजीली नहीं पता चलता कि ये कोरोना है। बच्चों को जैसे ही पेरेंट्स को या किसी को सिम्टम्स आते हैं घर में, तो सबसे पहला काम पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को अपने से अलग करके अपने दादी दादाजी नानी नाना जी या बड़े बड़ों के पास या साथ में किसी के घर के पास भेज देते हैं, अपने से दूर कर देते हैं। जबकि हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर ये 4 दिन पहले तक हमारे साथ था बच्चा, 4 दिन से लेकर आज तक हमारे साथ है बच्चा, तो इसमें बहुत कम चांसेस हैं कि बच्चों को इन्फेक्शन ना हुई हो। हम बच्चों को एज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बना के उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके दादा दादी या नेबर्स के पास भेज रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। बच्चे अपना ख्याल रख लेंगे, बच्चों के ख्याल के लिए दूसरा पेरेंट है, वो इन्फेक्ट हो चुके हैं, आप माने ना माने ये तो भी हो चुके हैं वो। हमें उन्हें एज कैरियर नहीं एक्ट करने देना, उन्हें अपने पास ही रखें, साथ वाले कमरे में रखें, उनकी सेहत का ध्यान रखें, उन्हें सारा कुछ टाइम टू टाइम मेडिसिन दवाई खाना पहुंचाते रहें, पर उन्हें किसी और के पास मत भेजें। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आज के लिए कि बच्चों को एज सोर्स ऑफ कैरियर कोविड नहीं बनने देना हमने। अब मेरे पास एक सवाल है कि हमें उन पेशेंट्स के साथ कैसा करना है जिन्हें डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है। डायबिटीज़ में खास ध्यान क्या, डायबिटीज़ मीन्स शुगर की बीमारी, जिन्हें शुगर की बीमारी है उन्हें ये खास ध्यान रखना है कि उन्होंने अपनी मेडिसिन रेगुलरली टाइम पे लेनी है। किसी भी कोई मुश्किल है तो मेडिसिन अवॉइड नहीं करनी, शुगर को वैसे की वैसे ही रखना है, मॉनिटर करना है। HbA1c करा लेना है हमने चेक, जो कि 7 से कम रहना चाहिए। कहीं मुश्किल आ रही है डॉक्टर से कंसल्ट करें, सिविल हॉस्पिटल फाजिलका में कंसल्ट करें। इस चीज़ों को, शुगर को हमने ऊपर नीचे नहीं होने देना। अगर हम स्टीरॉयड्स ले रहे हैं तो बहुत ही खास ज़रूरत है शुगर को कंट्रोल रखने की। अब पेशेंट्स पूछते हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, जो किडनी पेशेंट्स हैं, उन्होंने लिवर पेशेंट्स हैं, उन्होंने अपनी दवाई बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। जो उनकी दवाई चल रही है उन्हें चलने देना है। कोरोना हो गया है, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। अपनी ना हार्ट की मेडिसिन स्टॉप करनी है, ना हमने किडनी की मेडिसिन स्टॉप करनी है। BP की जो मेडिसिन ले रहे हैं लोग, उन्होंने भी BP की मेडिसिन स्टॉप नहीं करनी, वैसे कि वैसे ही डोज लेनी है, अपना कंटिन्यू करना है ट्रीटमेंट। अब मेरी फील्ड का क्वेश्चन है, हमें एक्सरे और CT स्कैन से किस तरीके हेल्प मिल सकती है कोरोना में। मैं रेडियोलॉजी मेरी फील्ड है, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा एलैबोरेटली बताना पड़ेगा, ज़्यादा डिटेल में बताना पड़ेगा। एक्सरे, छाती का एक्सरे हम कोरोना में करेंगे। छाती के एक्सरे में बहुत पैच हमें दिख सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा डिजीज़ है तो हमें पता चल सकता है कि काफ़ी अच्छे से लंग इन्वॉल्व हो चुकी है, हमें अब हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना चाहिए। मगर काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं जो एक्सरे पे पिक नहीं होते, क्योंकि पैच ही बहुत छोटा है, नहीं पता चलेगा। हमें एडवाइस करना है उन्हें HRCT चेस्ट, जो कि छाती का CT स्कैन है। अब छाती के CT स्कैन में हमने छाती को देखना है कि छाती में कहाँ कहाँ
इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के पैच बन गए हैं, और हमारे शरीर में छाती में दो लंग्स हैं, दोनों लंग्स में आगे राइट लंग में 3 लोब होती हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोब होती हैं, तो हमने इनको मिला के एक स्कोरिंग बनाई है, सीटी सेवेलिटी स्कोर कहते हैं, कि दोनों लंग्स के 5 लोब्स को मिलाकर हमने स्कोर देना होता है, 25 टोटल स्कोर होता है, उसमें से कितना स्कोर है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी इन्फेक्शन है। अगर 8 से कम स्कोर है तो माइल्ड इन्फेक्शन है, जाने की ठीक है। अगर 9 से 15 के बीच में है तो मॉडरेट है, 16 से ज़्यादा है तो सीवियर है। जो भी पेशेंट्स को मॉडरेट या सीवियर इन्फेक्शन आ रही है सीटी स्कैन में, उन्हें तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आगे कैसे मैनेज करना है सारा कुछ उनसे डिस्कस करके, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन देखेंगे सैचुरेशन कैसी है वो डिसाइड करेंगे। अगर माइल्ड इन्फेक्शन है बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, बस अपनी सेहत को मॉनिटर करो, जो होम आइसोलेशन में जो किट्स में जो भी मेडिसिन प्रोवाइडेड है सारा ट्रीटमेंट आप वैसे ही कंटिन्यू करो, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अब मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि हर पेशेंट को सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत है, नहीं हर पेशेंट को सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनमें जिनके सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे, जिनका फीवर नहीं टूट रहा, जिनके अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन कम जा रही है, 94 है, 92 हो गई है, 91 हो गई है, उन्हें करवाने की ज़रूरत है, जिन्हें सांस लेने में मुश्किल है उन्हें कराने की ज़रूरत है, सबको सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैक्सीनेशन पे। आजकल सारे बहुत अवेयर हैं, सबको आइडिया है कि COVID-19 की वैक्सीनेशन के लिए ड्राइव हो रही है, गवर्नमेंट बहुत जोरों जद्दोजहद से लगी हुई है, वैक्सीन करवा रही है, वैक्सीनेशन हो रही है, 2 तरह की वैक्सीन हैं, सबका क्वेश्चन होता है कोविशील्ड लगवानी है कोवैक्सीन लगवानी है, दोनों अच्छी हैं, कोई भी वैक्सीन आपको आपके एज के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया में आप आ रहे हैं आप वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाने से पहले ना बीपी की मेडिसिन बंद करने की ज़रूरत है, ना शुगर की मेडिसिन बंद करने की ज़रूरत है, ना हार्ट की मेडिसिन बंद करने की ज़रूरत है, सारी मेडिसिन लें अपनी, वैक्सीन लगवाएं, अपने आप को इम्यूनिटी दें, वैक्सीन सिर्फ इम्यूनिटी है, वैक्सीन से ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो रहा है, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीनेशन के बाद माइल्ड सिम्टम्स हैं बट सीवियरिटी कम है, ये हाँ वैक्सीनेशन का ज़रूर एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि सीवियर डिजीज़ में जाने के चांसेस आपके कम है, माइल्ड डिजीज़ होगी आप ठीक हो जाएंगे वो अच्छा रहेगा। एक सवाल था कि किसी ने वैक्सीन करवाई हुई है उसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसे कोरोना टेस्ट कराना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल करवाना चाहिए, सारा ही वैसे का वैसे प्रोटोकॉल फॉलो करना है, सारे टेस्ट करवाने हैं, अगर कोरोना है तो अपनी वैसे ही ट्रीटमेंट लेनी है, कोई भी वैक्सीनेशन के बाद स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं। और जिस पेशेंट को इस टाइम कोरोना हो गया उसे कम से कम 3 हफ्ते के बाद वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, इमिजिएटली करवाने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर पहले ही वायरस है, आप अगेन उसके बूस्ट कर रहे हो, तो हमें ऐसा रिस्क नहीं लेना, 3 हफ्ते वेट करेंगे फिर वैक्सीन करवाएंगे। एक सवाल आज और था कि प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या नहीं, जी हाँ हम प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, पहले गाइडलाइंस में था कि प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए वैक्सीन, अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस में आ गया है कि प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स को वैक्सीन लग जानी चाहिए। वैक्सीनेशन 18 से 45 की जो वैक्सीनेशन ड्राइव अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 18 से 45 वाले लोगों को भी अलाउड है वैक्सीनेशन, उनके लिए भी प्रोवाइड कराई जाएगी, बट 18 से 45 वाली वैक्सीन के लिए आपको रजिस्टर करना है कोविन ऐप पे, अपने आप को रजिस्टर करें और वैक्सीनेशन के लिए वेट करें, जब आपकी टर्न आएगी लगवाएं, वैक्सीनेशन के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आपकी टर्न आएगी आप लगवाएं, ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद आपको परहेज नहीं रखना, सबको मास्क लगाना है, इनफैक्ट डबल मास्क लगाना है, पूरी सैनिटाइजेशन रखनी है, हाथ धोने हैं, डिस्टेंसिंग रखनी है, वैक्सीनेशन के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है, अपना जब आपकी टर्न आएगी तो जी लगवाइए, बिल्कुल लगवाइए। अब एक सवाल था कि कोई भी मरीज़ है वो उनका होम आइसोलेशन चल रहा है,
वो हमेशा पूछते हैं कि हम अब कब बाहर जा सकते हैं, कब, सबसे फर्स्ट उसका आंसर है जब आप तंदुरुस्त फील करें तभी बाहर जाएं। और जब जब से सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जिनको सिम्टम्स आए थे उनको 10 दिन से, सिम्टम स्टार्ट होने के 10 दिन के बाद आप बाहर जा सकते हैं, या जिसका टेस्ट 10 दिन से पॉजिटिव आया है वो जा सकता है, या जिस पेशेंट को, जिस मरीज को 3 दिन से फीवर नहीं हुआ वो भी जा सकता है। एक जो भी पेशेंट अपना कंटिन्यू कर रहे हैं वो, उनका ये था क्वेश्चन कि वो अपने आप को कैसे मॉनिटर करें। एक कोवा ऐप पे एक सेल्फ इंस्पेक्शन फॉर्म है, उसमें हम अपने सिम्टम्स को टिक कर सकते हैं, हम उसमें रेगुलरली सिम्टम्स देखें, हमारे आज के सिम्टम्स क्या हैं, नेक्स्ट डे के सिम्टम्स क्या हैं। गवर्नमेंट भी इस फॉर्म के ज़रिए आपको मॉनिटर कर रही है, इस ऐप के ज़रिए आपको मॉनिटर करेगी। आप भी खुद अपने सिम्टम्स डालिए, जो भी चेंजेस होंगे, जो भी रिवर्ट करेंगे, तो आप इससे, आप उनको भी आइडिया रहेगा कि आपका क्या करंट स्टेटस है, हमें भी आइडिया रहेगा। हम अपने एरिया को, एरिया में आप होम आइसोलेशन टीम को कॉन्टैक्ट करिए, जो भी आपको फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाएगी उसको आप फॉरवर्ड करिए। बस इससे, कोविड से घबराना नहीं, हमने इसको डट के सामना करना है और अच्छे से बाहर निकलना है। एंड में एक बार पंजाब गवर्नमेंट का, जाखड़ साहब का, रजम कमरा जी का मैं थैंक्स करता हूँ कि हमें रूबरू कराने में उन्होंने सहायता।